हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जॉन विक की, जो दुनिया का सबसे खूंखार किलर है, जिसने माफिया पूरे के पूरे टेबल को अपना दुश्मन बना लिया है। वो अब फिश बन के साथ मिलकर पूरे के पूरे टेबल को एक क्लोज कर देना चाहता है, और इस बार उसका मुकाबला और किसी से नहीं, ब्लाइंड मैन से है, जिसका रोल कर रहे हैं डोनी येन। बहुत ही खतरनाक मुकाबला होने वाला है इन दोनों का। ये दोनों एक्सट्रीम किलर हैं, और बताया जा रहा है कि ये बहुत खतरनाक किलर रहे हैं अपने टाइम पे, और दोनों दोस्त भी रहे हैं, और इसके साथ स्कॉट एडकिंस भी होंगे इस मूवी में। तो ये मूवी अभी तो रिलीज़ हो चुकी है, देख भी लिया है, सब लोगों ने देख ली होगी। पर एक चीज़ जो मुझे जॉन विक की यूनिक लगती है, उसका प्रिसिशन और वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है बिना बोले, बिना ज़्यादा बात किए, और एक साइलेंट किलर की तरह उसका टारगेट हमेशा फोकस इसी पे रहता है कि मैं अपने को सेव करने के लिए कुछ भी कर दूँगा, चाहे कोई भी आ जाए मेरे आगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इसके लिए। कियानो रीव्स ने इसके लिए गन्स फाइट, मिलिट्री इक्विपमेंट्स जितने भी कैसे भी यूज़ किए जाते हैं, पूरी की पूरी ट्रेनिंग ली इसके लिए। और ये मूवी, आप जॉन विक 4 देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस तरह से वो गन चलाता है और जिस तरह से वो फाइट सीक्वेंस है, और ऑसम है। मतलब इसको कोई कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जॉन विक से बड़ा हत्यारा किसी भी मूवी में आज तक नहीं हुआ। अब ये देखिए, ये जो प्रैक्टिस की है जॉन विक ने इस मूवी के लिए, अनबिलीवेबल है। हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे हिंदी मूवीज़ पे जो भी एक्शन स्टार हैं, जितने भी एक्शन स्टार हैं, बीट एनी एनी बडी। आप एक बंदा मुझे बोल दो जो इससे कम्पीट कर सकता है, एक बंदे का भी नाम ले लोगे ना तो मैं मान जाऊंगा। ना इसकी जैसा स्टाइल है, इसकी पर्सनैलिटी जैसे पर्सनैलिटी नहीं है किसी की भी। मतलब आप डोले दिखा सकते हो, जिम में अच्छे सिक्स पैक कैप्स दिखा सकते हो, पर जो ये बंदा है, जो डायनामिक और जितना डैशिंग बंदा ये है, आई डोंट थिंक सो कि बॉलीवुड में इस तरह से एक भी बंदा होगा जो इसको कम्पीट कर पाएगा। और मुझे नहीं लगता जॉन विक जैसी एक भी बॉलीवुड मूवी जो 50% भी हो जॉन विक के मुकाबले। अगर आप सोच सकते हैं कोई ऐसी मूवी है और तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये मूवी मुझे लगता है कि जॉन विक के कंपैरिजन में टिकती है। टाइगर जिंदा है, पठान, मैंने सब मूवीज़ देखी हैं, और आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो अप्रिशिएट करता है अच्छी मूवीज़ को। पठान नो डाउट बहुत ही बेहतरीन एक्शन था, और स्टोरी वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट दिस मूवी इज़ एक्सीलेंट। बीट स्टोरी, जो रिवेंज पार्ट है, इज़ ऑसम। और आई एम कियानो रीव्स फैन, तो आप ये भी कह सकते हैं कि, अगर आप मुझे बायस भी कह सकते हैं, आई डोंट केयर, बट देर इज़ नो कॉम्पिटिशन। देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, सिंगल एक्टर हु कैन कम्पीट, हु कैन टेक ओवर जॉन विक करेक्टर लाइक कियानो रीव्स। मुझे नहीं लगता कि कोई एक बंदा भी ये करेक्टर कर सकता है हमारे हिंदी मूवीज़ में जॉन विक जैसा। आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे लिखें। और मुझे लगता है कि जॉन विक 4, और जो ये लोग सोच रहे हैं कि ये जॉन विक 4th वुड बी द लास्ट मूवी, इतना टर्नओवर आउट ऑफ फ्रेंचाइज